लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हजारीबाग के एक सेंटर पर पेपर लीक होने का दावा आज सामने आया है। और आपको बताएं, ईओयू जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आज देगी। सूत्र अभी फिलहाल हमारे ये बता रहे हैं कि पीएस यादव के पीएस को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनकी मिलीभगत भी इस पूरे कांड में रही है। और अब आज तेजस्वी यादव के पीएस को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट आज नीट मामले के ऊपर दिखाई देने वाला है। सारे दिन गहमा गहमी रहेगी, लेकिन सुबह सुबह की बड़ी अपडेट यही है कि तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ होगी। तो नीट पेपर लीक मामले पर मचे बवाल के बीच बिहार ईओयू ने नीट पेपर लीक की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। और हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय को आज रिपोर्ट सौंपी सकती जा सकती है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है और अहम रिपोर्ट हो जाती है। शिक्षा मंत्रालय को आज रिपोर्ट सौंप सकती है बिहार की ईओयू टीम। और आपको बताएं कि जांच रिपोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों के बयान भी शामिल है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चौथा पॉइंट ये है कि झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से नीट का पेपर लीक हुआ था। पहले जानकारी ये मिली थी कि पटना में लीक हुआ, लेकिन अब सबूत मिले हैं कि झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से ये नीट का पेपर लीक हुआ था। तो ये चार बड़े अपडेट हैं। और ऐसे में जब शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो इस मामले पर बड़ा एक्शन भी होगा। शिक्षा मंत्रालय को जो सौंपी जाने वाली रिपोर्ट है वो पूरी तरह से तैयार कर ली है। कई नामों का इसमें खुलासा किया गया है, उन सब के साथ पूछताछ की जाएगी। कई जगह पर दबिश दी जा रही है और उम्मीद यही है कि नीट के जो असली गुनहगार हैं उन तक बहुत जल्द टीम पहुंच जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है ये कांग्रेस कह रही है। टीएमसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अब मांग कर दी है। पूरे देश में इस वक्त नीट मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है, तो बीजेपी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कल कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और शिक्षा माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने खुद का नाम इस मामले में घसीटने पर पलटवार किया और कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल करने से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होगा। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। वही जेडीयू ने पूरे मामले पर जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, अगर जरूरत होगी समझेगी, सरकार उसकी समीक्षा करेगी।